बेसिकली क्या है, कोलिजन का है। देखो, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी 0.5 पॉइंट और -0.3 रिस्पेक्टिवली कोलाइड ईच अदर इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में है, ठीक है, एक लाइन में कोलिजन है और वन डायमेंशनल कोलिजन है, ठीक है, क्लियर है। वेलोसिटी या बी एंड ए आफ्टर द कोलिजन, मतलब कोलिजन के जस्ट बाद बी और ए की वेलोसिटी कितनी होगी, बी एंड ए आफ्टर द कोलिजन। चलो पहले तो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन का था ये कि अगर एक सरफेस है, यहाँ पर एक बॉल इधर से आ रहा है जिसकी वेलोसिटी प्लस 0.5 है, तो 0.5 प्लस 0.5 इधर ही होगा, इसका नाम ए है, ठीक है, टू आइडेंटिकल बॉल ए है। दूसरा जो है वो इधर से आ रहा है, इसकी वेलोसिटी -0.3 है मीटर पर सेकेंड और इसका नाम बी है। ये दो बॉल है, इनका नाम ए है और इनका नाम बी है। जब कोलिजन इलास्टिकली है, वन डायमेंशन है, दोनों की मासेज इक्वल है, तो अगर आप थियरी पढ़े हो कोलिजन का तो आपको पता होगा कि कोलिजन के बाद ऐसे केस में वेलोसिटी क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। मासेज इक्वल हो और वन डायमेंशनल कोलिजन हो तो वेलोसिटी विल बी एक्सचेंज। अगर वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई तो कोलिजन के बाद जो है वो बी वाली वेलोसिटी ए को मिल जाएगी, मतलब ए इधर जाएगा, ठीक है, ए जो है -0.3 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा कोलिजन के बाद, और बी जो है इसकी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कोलिजन के बाद वेलोसिटी, तो मान लो जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो कैसे लगाएगा यार, तो वो फिर स्ट्रगल करेगा, लिखेगा कोलिजन के बाद पहले फाइनल वाली की वेलोसिटी बोलो m1 - m2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई u1 + 2 × m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। इलास्टिक कोलिजन में वन डायमेंशनल में पहले वाले की वेलोसिटी कोलिजन के बाद, तो मासेज इक्वल होंगे तो ये फैक्टर जीरो आ गया, और मास अगर इक्वल है तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि v1 = मास इक्वल है तो ये 2m और 2 × 2 v1 = u2, मतलब पहले वाली की जो वेलोसिटी थी, पहले वाले की जो स्पीड थी वो दूसरे वाले को मिल गई, ठीक है। चलो उसी तरह से देखो, u1 था जो u2 था वो जो दूसरे वाली की इनिशियल स्पीड थी वो पहले वाले की फाइनल बन गई, दूसरे वाली की इनिशियल स्पीड इधर थी और कोलिजन के बाद पहले वाली की वो फाइनल बन जाएगी इधर, ठीक है। इसी तरह से आप v2 भी कर सकते हो, ठीक है, दैट ए एक्सचेंज हो जाता मतलब, ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा मतलब ए ऑप्शन सही है। इतना टाइम मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब जो बंदा कॉन्सेप्ट जानेगा वो तुरंत लगा देगा, जो कॉन्सेप्ट नहीं जानेगा फार्मूला लिखेगा, डिराइव करेगा और उसे करेगा, ठीक है।